माननीय सदस्य श्री अख्तर इमाम साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहतरम स्पीकर साहब, आपके अध्यक्ष चुने जाने पर हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की जानिब से और अपनी पार्टी MIM की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज आपके चुने जाने के क्रम में जो दृश्य यहाँ पर देखा गया उससे जरा थोड़ी देर के लिए तो अफसोस हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र की और जमहूरियत की बड़ी खूबसूरती है कि अख्तलाफ के बाद, विरोध के बाद भी जब कोई फैसला हो जाता है सब खुशी बखुशी उसे तस्लीम कर लेते हैं। हमें आपसे विरोध नहीं, आपके पार्टी और NDA, BJP और NDK जो नजरियात रहे हैं उससे विरोध जरूर रहा है, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपके विरोध में हम खड़े जरूर थे और गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद भी हम गठबंधन की हिमायत में खड़े थे, लेकिन अब जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो हम समझते हैं कि प्रेमचंद, महान कहानीकार प्रेमचंद का अफसाना बेशतर लोगों ने पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा कि पंच की कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी पक्ष और विपक्ष नहीं देखता। आप सदन के संरक्षक हैं, हम सबों के गार्जियन हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। हम ही नहीं, पूरा सदन आपसे ये उम्मीद रखता है कि दो तीन बातें कही जाती हैं, पक्षधर, निष्पक्ष और सत्य के पक्षधर। लोग निष्पक्ष लोगों को अच्छा समझते हैं और आपको भी कुछ लोग निष्पक्ष कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सड़क पर किसी इज्जत की इज्जत लूटे तो वह पक्षधर हो सकता है बुराइयों का, खड़ा वाला निष्पक्ष हो सकता है, लेकिन उसका फरीजा है कि वह सत्य का पक्षधर होकर उसकी इज्जत बचाए। मैं आपको निष्पक्ष नहीं बल्कि सत्य का पक्षधर देखना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं बिहार की जनता आपसे आशा करती है कि सरकार अगर भटक जाए तो उसको लगाम लगाना आपको काम होगा। बिहार की बड़ी समस्याएं हैं, वक्त आएगा तो बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको मुबारकबाद देते हुए, मैं जिस सीमांचल से आता हूं वो सीमांचल बाढ़, बेरोजगारी, अनपढ़ और बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त है। हमारी आप पुरजोर वकालत करेंगे और बिहार में इस वक्त धार्मिक तनाव का जो बिगाड़, अपने अध्यक्ष मत बनिए, अध्यक्ष जी हैं, अरे बड़े अच्छे अध्यक्ष बनाए हैं आपने, उसका आदर कीजिए। मैं आप ही बनाए हैं और आप ही आदर नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बिहार की नई नस्ल, बिहार की नई नस्ल की शिक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का, पलायन वाले मजदूरों का, बच्चों की पढ़ाई जो कोरोना से रुकी हुई है उसका, और बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का, और हमारी गुलनाज की जो इज्जत टूटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार को जरूर मजबूर करेंगे। हम यही आपसे उम्मीद भी रखते हैं और यही आशा भी रखते हैं ताकि आपके सदन में जो समय गुजारे जाए आने वाली पीढ़ी उस पर नाज करे। बहुत बहुत धन्यवाद।